हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की रिलेटिव टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिलेटिव टेंडेंसी का मतलब होता है कि एक एटम द्वारा दूसरे बॉन्डेड एटम के रिस्पेक्ट में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। समझे ना, कि एक मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम्स बॉन्डेड है, तो वो दोनों के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको कौन कितने अट्रैक्शन के साथ, कितने न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, यही इनकी क्या कहलाती है, रिलेटिव अट्रैक्शन टेंडेंसी। तो इस बेस पर अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि इट इज द रिलेटिव टेंडेंसी of an atom in molecule to attract shared electron pair toward itself। समझे ना, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की रिलेटिव टेंडेंसी ही क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यही मैंने डेफिनेशन दी है कि द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आते हैं किसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये डायमेंशनलेस या यूनिटलेस क्वांटिटी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर्स ओनली रिलेटिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ऑफ टू बॉन्डेड एटम। समझे ना, कि दो बॉन्डेड एटम है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एक रिलेटिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर को मेजर करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। और यही मैंने लिखा है कि इट मेजर्स, ठीक है, इट मेजर्स द रिलेटिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ऑफ एन एटम इन मॉलिक्यूल विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम बॉन्डेड टू इट। मतलब एक एटम से दूसरा बॉन्ड एटम बॉन्डेड है तो उनके बीच में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर है टूवर्ड्स शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको मेजर करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो समझ गए। और इसको जो प्रपोज्ड किया था, पुट फॉरवर्ड जो करने वाला साइंटिस्ट था वो है पाउलिंग। समझ गए ना, हम देखेंगे आगे पाउलिंग स्केल है इसको मेजर करने की। तो समझे बच्चों कि किसी भी अणु में परमाणुओं द्वारा या परमाणु द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, एक ऋण विद्युता। मतलब है कि दो एटम एक दूसरे से बॉन्डेड हो और उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो, तो उस शेयर्ड पेयर को कौन कितना न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर के साथ अट्रैक्ट करता है, कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, इसी को मेजर करने वाली जो क्वांटिटी है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो या विद्युत ऋणात्मकता। ये केवल दो एटम की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर को मेजर करता है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो यही मैंने लिखा है कि किसी परमाणु द्वारा सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता है। सापेक्ष प्रवृत्ति का मतलब है दो एटम जो एक दूसरे से जुड़े हैं तो उनके बीच में जो सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको कौन कितने पावर से अट्रैक्ट करता है, समझ गए ना, तो उसी को हम बोल देंगे सापेक्ष प्रवृत्ति। यह दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को मापता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं है, इसे पाउली ने प्रस्तावित किया। मैं एक डायग्राम से समझाता हूं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अगर हम एक मॉलिक्यूल लें, इस तरह से ये है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसमें ए और बी बॉन्डेड है, तो यहां ये है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस पेयर को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस तरह से
ये जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन पेयर, इसी न्यूक्लियर अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मेजर्स न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर, मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर हैविंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एटम। तो इस तरह से ये पेयर को अपनी ओर कौन ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इसी अट्रैक्शन को, इसी रिलेटिव अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब आता है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें तो जो एटम बॉन्डेड है या जो भी एटम्स बॉन्डेड हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है ना, वही पोलर मतलब बॉन्ड के पोलर नेचर को डिटरमाइन करता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, इसको डिटरमाइन कौन करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। जो कि ये जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज हैं ये किनकी होती हैं, उन बॉन्डेड एटम्स की। मतलब ये दो एटम मान लो बॉन्डेड हैं, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग अलग है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो हम इसे बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और जिसकी कम है उसे हम क्या बोलेंगे उसके रिस्पेक्ट में, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, जैसे HCl में देखें तो Cl का ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन का कम होगा क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, इसमें 17 प्रोटॉन है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अब क्या होगा कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन जब बढ़ेगा किसके प्रति, पेयर के प्रति, इस पेयर के प्रति, तो ऐसे में यहां पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो बॉन्डेड पेयर है वो किसी एक तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाता है। और ऐसे में हम बॉन्ड को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको बोला जाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से जब दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग हो तो ऐसे में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, पोलर हो जाता है। और इस तरह से HCl में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहीं पर मैंने लिखा कि पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड डिटरमाइंड बाय डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ बॉन्डेड एटम, बिकॉज़ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, देयरफॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से आपने देखा HCl में कि H+ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और Cl में क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस तरह से ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर बॉन्ड। तो समझे बच्चों कि जो बंध है, बंध का ध्रुवीय गुण, तो यहां लिख दे रहा हूं बंध का ध्रुवीय गुण सहसंयोजित, सहसंयोजी बंध से जुड़े परमाणुओं की विद्युताओं की अंतर पर निर्भर करता है, यदि ठीक है, या हम ये कहें कि उच्च ऋण विद्युती परमाणु सहभाजित इलेक्ट्रॉन योग को अधिक आकर्षित करता है, इससे इसमें आंशिक ऋणावेश तथा दूसरे परमाणु में आंशिक धनावेश। ना? मतलब दो परमाणु जो अलग अलग ऋण विद्युताओं के थे और जो परस्पर जुड़े हैं, तो उसमें उच्च ऋण विद्युती जो परमाणु है वो बंध है उनको ज्यादा आकर्षित करेगा, ऐसे में उसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बात समझ गए होंगे कि पोलर नेचर किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब यदि ध्यान रखें कि दोनों एटम मान लो बिल्कुल सेम है, जैसे मान लो हम ये कह दें कि ये AA टाइप के, तो ऐसे में दोनों की न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर बराबर होंगी, इसलिए इसमें नेट अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा और ये पेयर इन दोनों के बीच में बना रहेगा, जिससे किसी भी एटम में कोई पार्शियल चार्ज नहीं आएगा, और ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं फिर क्या, नॉन पोलर बॉन्ड। जैसे H2
Cl2, F2, I2, O2, N2, अगर इन मॉलिक्यूल्स में देखें तो इनमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, जबकि HCl, H2O, NH3 इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बॉन्ड जो होंगे वो पोलर नेचर के होंगे, और जितना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होता जाएगा, पोलर होता जाएगा। तो यहाँ तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों को कंपेयर करें, दोनों में डिफरेंस देखें तो क्या दिखेगा? तो देखो, दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन को ही मेजर करती हैं। बस डिफरेंस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किससे रिलेटेड है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद आइसोलेटेड गैसियस एटम, मतलब एक स्वतंत्र, एक आइसोलेटेड एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, कंप्लीट जुड़ जाना, ये किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। इसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसे हम किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में मेजर करते हैं, मतलब ये एक यूनिट वाली क्वांटिटी है, मतलब इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन होती है। तो यहां तक बात समझ गए ना? जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप देखेंगे कि ये क्या मेजर करती है, इट मेजर्स द न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम टूवर्ड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्लाउड शिफ्टेड टू या पार्शियल शिफ्टेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस। मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का किसी एक एटम के न्यूक्लियस की ओर पार्शियली शिफ्टिंग को शो करती है, बताती है। तो ये एक रिलेटिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर को मेजर करती है दो एटम की, इसलिए ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जॉइन विद आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड एटम, व्हाइल इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर पार्शियली शिफ्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ बॉन्डेड एटम इन मॉलिक्यूल। समझ गए ना? ये मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, ये एटम से। इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में ज्वाइन करता है, इसमें पार्शियली शिफ्टेड होता है, इसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। तो समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन जो होता है एक स्वतंत्र परमाणु के बाहरी कोष, संयोजी कोष में जुड़ता है, इसमें ऊर्जा निकलती है। समझ गए ना? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता एक इकाई वाली यूनिट, मतलब प्रॉपर्टी है, जबकि ऋण बंधुता क्या है कि दो परमाणु जो एक दूसरे से बॉन्डेड है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, इसको मेजर करती है। तो इस तरह से जो एक सहभाजी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉन अभ्रता किसी एक नाभिक की ओर बॉन्ड, ठीक है, एक पार्शियली शिफ्टेड होना, आंशिक रूप से विस्थापित होना क्या है? ऋण विद्युतता है। तो इस तरह से दोनों में क्या है, डिफरेंस है। जो ऋण विद्युतता या विद्युत ऋणात्मकता, इसकी कोई इकाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो एटम की न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर को मेजर करती है रिलेटिव रूप से। हम इस तरह से समझा सकते हैं कि ये है एटम इलेक्ट्रॉन जुड़ा एडिशन, ये नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ एनर्जी जो रिलीज हुई वही है, जो भी हुई एनर्जी चेंज वो क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जबकि ये दो एटम बॉन्डेड है तो इस पेयर को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करते हैं, शिफ्टिंग हो रही है, और इस तरह से ये शिफ्ट हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसकी तरफ, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब यहाँ पर ए ही है, यहाँ पर हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, EN। यहाँ पर मैंने लिखा है EN यूनिट लेस है फिजिकल प्रॉपर्टी, जबकि जो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, जबकि ये जो है एज यूनिट किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो मैंने यहाँ लिखा है। तो आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस, तो ये नोट कर लें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं पीरियोडिसिटी में। तो पीरियोडिसिटी सबसे पहले हम ग्रुप में, सॉरी पीरियड में देखते हैं। तो पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो हम जानते हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और न्यूक्लियर जो अट्रैक्शन है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता है। ऐसे में जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके प्रति बढ़ेगा, तो ऐसे में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। पाउलिंग स्केल के बेस पर ये 0.5 के डिफरेंस से बढ़ती जाती है, किसमें, पीरियड में। इस तरह से हम यहाँ से लें,
लिथियम से लेके फ्लोरीन तक आप देख रहे हैं 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, ये समझ रहे हो कि 4 का मतलब क्या है? कि फ्लोरीन की न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो रिलेटिव टेंडेंसी है वो लिथियम के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स ज्यादा है, समझ गए ना? इसी तरह से हम कहें कि बोरॉन की जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर है वो लिथियम से डबल है, इसलिए ये इसको यूनिट नहीं, बस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर अट्रैक्शन पर का मेजरमेंट करते हैं। जितना टाइम्स जितनी वैल्यू है उतने टाइम्स वो लिथियम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर रखेगा। तो समझ गए बच्चों कि अर्थ में इसका मान बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है क्योंकि परमाणु आकार घटने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है। तो ये जो मान है ये केवल एक परमाणु का दूसरे परमाणु के, ठीक है, दूसरे परमाणु का नाभिकीय आकर्षण के प्रति कितना गुना आकर्षण है या इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रति नाभिक का कितना गुना आकर्षण है उसको बताता है। तो जैसे फ्लोरीन की 4 है और लिथियम की 1 है, तो इसका मतलब लिथियम के अपेक्षा फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन पेयर के प्रति नाभिकीय आकर्षण है वो 4 गुना है। यहाँ बात समझ गए। अब हम बनाते हैं ग्रुप में, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो साइज बढ़ती है, साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा, ऐसे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। लेकिन आप पूरी पीरियोडिक टेबल में देखोगे हर एक ग्रुप में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बहुत कम, लगभग सिमिलर सी बनी रहती है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में तो लगभग पीरियड पूरी सीरीज में ही ज्यादा चेंज नहीं होती, लगभग एक सी बनी होती है, ठीक है। वो उनके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, साइज, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमाइन करते हैं, वो हम कल देखेंगे उनके फैक्टर्स के बारे में। तो लिथियम से लेके और सीजियम तक अगर हम चलें तो इस तरह से ये चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखी, उसकी पीरियोडिसिटी देखी, इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग, इनके बारे में इनके एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये आप अच्छी तरह से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उनमें जो बॉन्ड के पोलर नेचर हैं, डाइपोल मोमेंट है, इनके बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है, ठीक, इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन में एस कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के रिलेशंस हैं, तो वो हम सब इसके बेस पर देखेंगे। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरह से समझें, मैं समझता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और ना समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देखें, बुक से भी अच्छी तरह से कंसल्ट करें, आप एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे बाय, नमस्कार, थैंक यू, सी यू अगेन।